वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज न्यू लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर इज इंटरनेट कनेक्टिविटी। दिस इज इन कंटिन्यूएशन विद द प्रीवियस लेक्चर। सो वी डिस्कस्ड अबाउट थ्री मेथड्स ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी। नाउ वी विल डिस्कस द रेस्ट ऑफ द थ्री ओवर हियर। सो फर्स्ट वन इज DSL कनेक्शन। DSL कनेक्शन इज डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। It's a family of technologies that provide digital data for the telephone network. तो हमारे जो telephone के through जो है हमें digital data provide होता है। DSNL originally stood for, पहले इसको digital subscriber loop के नाम से जानते थे। Then in telecommunication it is widely understood as asymmetric digital subscriber line. And the most commonly installed technology हमारे क्या होती है? DSL technology, digital subscriber line technology. DSL service is delivered simultaneously with wired telephone on the same telephone line. हमारी एक telephone line घर में आपकी जो landline होता है उसके through ही आपको DSL की facility provide हो जाती है. And this is possible because DSL uses high frequency band for data separating by filtering. Data separate कर देते हैं वो, so that's why we can use it simultaneously. मैंने customer's premises की बात करते हैं कि customer के premises में क्या होता है. A DSL filter on each outlet removes high frequency interference to enable the use of phone and data. साथ के साथ वो क्या करते हैं, दो तरह के डेटा आते हैं ना, एक टेलीफोनिक डेटा आएगा, फोन कॉल्स आएंगे, एक जो है इंटरनेट का डेटा. तो वो जो DSL फिल्टर है दैट विल फिल्टर आउट कि कौन सा कॉलिंग का डेटा है, कौन सा टेलीफोन, कौन सा इंटरनेट का डेटा है. देर आर डिफरेंट वर्जन ऑफ DSL, असिमेट्रिक DSL, ADSL, सिमेट्रिक DSL, हाइब्रिड रेट DSL, रैपिड एडेप्टिव DSL, वेरी हाई बिट रेट DSL, ISDN. DSL कनेक्शन असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, दिस इज द एक्रोनिम ADSL. ठीक है, इट सपोर्ट्स द डेटा रेट्स फ्रॉम 1.5 टू 9 Mbps. हम बात करें डाउन स्ट्रीम की तो इसकी स्पीड 1.5 टू 9 Mbps पे होती है. सेंडिंग अपस्ट्रीम डेटा देन इट इज 116 टू 640 Kbps. इसके लिए हमें एक स्पेशल ASDL मॉडेम की रिक्वायरमेंट होती है जो हमारा एसमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन पे काम करता है. सेकेंड आ गया हमारा ASD+2, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ ASDL. इट इज मोस्ट कॉमनली यूज सर्विस जहाँ पे हमारा जो हाईली पॉपुलेटेड डेंस्ड एरिया होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया, वी यूज देर एंड सब्सक्राइबर जो है दैट शुड बी इन क्लोज ज्योग्राफिकल एरिया टू द प्रोवाइडर्स ऑफिस. अगर आपको ASDL+2 की सर्विस लेनी है तो इट शुड बी इन द नियर बाई एरिया टू द प्रोवाइडर. अब सिमेट्रिक है, इट अलाउ मोर डेटा टू बी सेंट ओवर द एग्जिस्टिंग कॉपर लाइन. इट अलाउज मोर डेटा मतलब ज़्यादा डेटा हम सेंड कर सकते हैं. इट सपोर्ट्स रेट अप टू 3 Mbps. ठीक है, SDL works by sending digital pulses in high frequency area of telephone wires and can't operate simultaneously with voice connection over the same wire. अब symmetric में क्या है, जो data rate support होता है that is 3 Mbps. SDL works by sending digital pulses. जो जो हमारा टेलीफोन लाइन में है, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि हम डिजिटल पल्सेस उसमें हम कर सकते हैं और साइमल्टेनियसली हम यूज कर सकते हैं डेटा और टेलीफोन को. जो भी कॉलिंग आ रही है और इंटरनेट दोनों हम इसमें साइमल्टेनियसली कर सकते हैं. पर जो सिमेट्रिक वाले में है कि एक ही टाइम पे कॉलिंग और एक ही टाइम पे नेट, उस टाइम पे इशू आ जाता है. तो इट SDSL रिक्वायर्स SDSL मॉडम. इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक बिकॉज जो इसकी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम ट्रैफिक है उसका रेट सेम है. चाहे आप अपलोड करो चाहे डाउनलोड करो, दोनों में रेट क्या होगा, सेम होगा. ठीक है, असिमेट्रिक में नहीं होता ऐसा, उसमें चेंज रहता है रेट. वेरी हाई DSL, हाई DSL टेक्नोलॉजी होती है जो बहुत फास्ट सर्विस प्रोवाइड कराती है. बट दिस इज फॉर दी शॉर्ट डिस्टेंस, छोटे डिस्टेंस के लिए होती है. अब DSL का एडवांटेज क्या है? Security, जैसे अनलाइक केबल मॉडम्स, ईच सब्सक्राइबर कैन बी कॉन्फिगर सो दैट दे विल नॉट बी ऑन द सेम नेटवर्क. इन सम केबल मॉडम नेटवर्क्स
other computers are left visibly vulnerable and easily susceptible to break in as well as data destruction. अब जो हमारा केबल नेटवर्क होता है, जो मॉडेम होता है, उसमें क्या होते हैं, सारे के सारे एक ही नेटवर्क में होते हैं, तो जो सिक्योरिटी ब्रीच के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि दे आर पब्लिकली विजिबल. बट हमारा डीएसएल में ऐसा नहीं होता है. सेकेंड पॉइंट इज इंटीग्रेशन. DSL will interface with ATM and WAN technology, you must be knowing, IDDM network. And it is asynchronous transmission mode. So, in दोनों के साथ it is compatible. तो ये easily हम इसको extend कर सकते हैं. Higher bandwidth में ज़्यादा speed है. Cheap charges from phone company का charges कम होते हैं. Good for burst जहाँ पे हमारा traffic ज़्यादा होता है, that it is good. Now, disadvantage, no current standardization. इसमें क्या है, अ पर्सन मूविंग फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया, वैसा तो नहीं है कि एक बार किसी ने नेट लगा लिया ही विल रिमेन देयर परमानेंटली. सो व्हेन दे मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया दे हैव टू परचेज द न्यू इक्विपमेंट. जो पुराना वाला है दैट विल बिकम अ वेस्ट. इट इज एक्सपेंसिव. डिस्टेंस डिपेंडेंट दैट फार्दर यू लिव फ्रॉम DLSM, मतलब जो एक्सेस मल्टीप्लायर उससे जितना दूर रहेंगे उतनी हमारी डेटा की स्पीड कम हो जाती है. केबल मॉडम कनेक्शन जनरली दिस आर डिप्लॉयड इन ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, एशिया. तो इस तरह का नेटवर्क ये एक ब्रिज टाइप का होता है एंड प्रोवाइड द बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन थ्रू रेडियो फ्रिक्वेंसी चैनल्स ऑन. अब ये HFC है, हाइब्रिड फाइबर कॉक्स. आप लोग को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है इसके, बिकॉज दिस इज वेरी टेक्निकल. सो जस्ट गो थ्रू कि क्या है, बेसिक सीन्स यू शुड नो. Then RFOG is radio frequency over glass. अब जस्ट देख लीजिए कि इंटरनेट कनेक्शन कौन से टर्म्स है और उसमें क्या क्या होता है, जस्ट वन और टू लाइन्स. ओके, सो केबल मॉडेम क्या है, हमारा एक नेटवर्क ब्रिज है जो बाई डायरेक्शनल डेटा कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है थ्रू दी रेडियो फ्रिक्वेंसी चैनल्स ऑन HFC एंड RFOG. दे आर प्राइमरली यूज टू डिलीवर ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस इन द फॉर्म ऑफ केबल इंटरनेट. And it takes the advantage of higher bandwidth. जो ये radio frequency channels हैं HFC and RFG, they have very higher bandwidth. So they take advantage of this to provide the broadband service. Next comes the VSAT. That is, it stands for very small aperture terminal. The full form is very small aperture terminal. And earthbound station used in satellite communication of data, voice, video signals. Excluding broadcast television. आपने ये नाम तो सुना ही होगा, सैटेलाइट. ठीक है, इसमें क्या है कि हमारे इसके दो पार्ट है, VSAT में दो पार्ट है. एक ट्रांस रिसीवर दैट आर प्लेस्ड आउटसाइड इन द डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट टू द सैटेलाइट, और एक डिवाइस जो है वो इनसाइड प्लेस होगा जहाँ पे हमने रिसीवर करना. दो डिवाइस हमारे हैं, एक सैटेलाइट है ऊपर, ठीक है, और उसकी डायरेक्ट साइट पे हमने एक जो है ट्रांस रिसीवर रखा है आउटसाइड, जो वहां से डेटा रिसीव करेगा और उस डेटा को हम दूसरे के साथ ट्रांसफर कर सकते हैं जो डिवाइस हमने अंदर प्लेस किया है. अब ट्रांस रिसीवर सेंड्स और रिसीव्स द सिग्नल फ्रॉम द ट्रांसपोर्टर इन द स्काई. अब जो सैटेलाइट ट्रांसपोर्टर है उससे मैसेज आएगा नीचे, या यहाँ से नीचे जो बाहर हमारा डिवाइस प्लेस है उससे बाहर रिसीव होगा. तो द सैटेलाइट सेंड्स एंड रिसीव द सिग्नल फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन That act as a hub for the system. वो क्या करता है, एक हब की तरह काम करता है. आपने स्टार टोपोलॉजी पढ़ी होगी. स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, हब से सारा डेटा जाता है. तो यहाँ पे समझ लो जो बाहर आपने डिवाइस प्लेस किया है दैट इज एक्टिंग एट हब, और वही डेटा जो है वो सेंड और रिसीव कर रही है आगे सेटेलाइट ट्रांसपोर्टर को. एंड यूजर इज कनेक्टेड वाई विद द हब स्टेशन वाई द सेटेलाइट फॉर्मिंग अ स्टार टोपोलॉजी. आई हैव टोल्ड दिस. The hub control the entire operation of the network for one end user to communicate with other. Each transmission has to go to the station, then it retransmitted to the satellite via the other end. अब n number of users हैं, आपने जो भी चीज set forward करनी है वो पहले कहाँ जाएगी, hub पे जाएगी, और hub से कहाँ जाएगी, transporter के पास. और ये process same receiving के केस में भी होगा, वहाँ से data आएगा वापस, वो एंड यूजर के पास आएगा फॉर्मिंग द स्टार टोपोलॉजी. अब VSAT का बेनिफिट क्या है,
इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। पहले तो कॉस्ट इंसेंसिटिव टू डिस्टेंस की, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे नहीं होगा। एक सिंगल प्लेटफॉर्म है डिलीवरी के लिए, फ्लेक्सिबल है, हम इसको इजीली अपग्रेड कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें हम सिस्टम्स ऐड कर सकते हैं, नो इंक्रीमेंटल कॉस्ट पर यूनिट। और एक 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 इंक्रीमेंट, जैसे हमने बोला था पिछले वाले में ये हमें एक्सटेंड करने में प्रॉब्लम है, जैसे डीएसएल में। और यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे हम एक एक्स्ट्रा कंप्यूटर लगाएंगे तो हमारी जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट आती है दैट इज लेस। अब डिसएडवांटेज क्या है, हाई स्टार्टअप कॉस्ट। तो जो पहली जो इनिशियल कॉस्ट आती है वो बड़ी हाई है। इसमें क्या है कि जैसे हब और बेसिक एलिमेंट मस्ट बी इन प्लेस बिफोर द सर्विस कैन बी प्रोवाइडेड। हमें सब कुछ पहले से सेटअप करके रखना है कि हब कहाँ होगा, उसके डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में होना चाहिए सेटेलाइट ट्रांसपोर्टर। तो उसमें हायर देन द नॉर्मल रिस्क प्रोफाइल, इसमें थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है। सीवियर रेगुलेटरी इंस्ट्रक्शन इम्पोज बाई कंपनी टू प्रिवेंट वी सेट नॉट नेटवर्क एंड सोल्यूशन फ्रॉम रीचिंग क्रिटिकल मास एंड देयर फॉर प्रॉफिटेबिलिटी। अब इसमें बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन लगती है डिपेंडिंग ऑन द कंट्रीज। एंड सम सर्विस क्वालिटी लिमिटेशन सच एज हाई सिग्नल लेने। अब ट्रांसपोर्टर से सिग्नल सैटेलाइट ट्रांसपोर्टर से हब पे आया, हब से एंड यूजर पे जा रहा है, तो देर इज अ टाइम लैग, देर इज अ लेटेंसी बिटवीन देम। नेचुरल अवेलेबिलिटी लिमिट्स कैन नॉट बी मिटिगेटेड। अब इसमें हमारे क्या नेचुरल कुछ लिमिटेशंस भी आती हैं बिकॉज वी आर डीलिंग विद सैटेलाइट और आउटसाइड इनसाइड। तो इस केस में बहुत सारी नेचुरल प्रॉब्लम्स भी एग्जिस्ट करती हैं। लैक ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड इन द डेवलपिंग वर्ल्ड टू डिजाइन इंस्टॉल एंड मेंटेन सैटेलाइट कम्युनिकेशन। देन वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन, इट मेक्स यूज ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी बैंड्स टू कनेक्ट विद इंटरनेट एंड ऑफर वेरी हाई स्पीड। ये आप लोगों ने सबने सुना होगा वायरलेस, ठीक है। इसमें बहुत फास्ट स्पीड होती है, कैन बी ऑब्टेन इधर वाईफाई, आप वाईफाई से कर सकते हैं, ब्लूटूथ से कर सकते हैं, मोबाइल से आप हॉटस्पॉट ऑन करके उसको आप अपना वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन ऑन कर सकते हैं। सेटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन, इट ऑफर्स हाई स्पीड कनेक्शन टू द इंटरनेट। देर आर टू टाइप्स ऑफ सेटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन, पहला तो है वन वे, सेकेंड इज टू वे। इन वन वे हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ हम डेटा अपलोड कर, वी कैन ओनली डाउनलोड डेटा, हम अपलोड नहीं कर सकते, मतलब सिर्फ डाउनलोड कर सकते हैं। नेट से हमें अगर कुछ डेटा अपलोड करना है तो दैट इज नॉट पॉसिबल, फॉर दैट वी नीड डायल अप एक्सेस थ्रू ISP ओवर टेलीफोन। वेर एज हम टू वे की बात करते हैं तो उसमें हम अपलोड एंड डाउनलोड दोनों कर सकते हैं। डज नॉट रिक्वायर एनी डायल अप कनेक्शन, इसके लिए कोई डायल अप कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन पार्ट, इंटरनेट एक्सेस इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स टू कनेक्ट ओवर इंटरनेट यूजिंग कंप्यूटर टर्मिनल्स एंड मोबाइल डिवाइसेस एंड टू एक्सेस सर्विसेज सच एज ईमेल एंड वर्ल्ड वाइड वेब। अब इंटरनेट एक्सेस, हमने इतनी सारी बात की कि इंटरनेट कनेक्टिविटी ये सब, तो ये सब क्या है, हम इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं तो हमें सिर्फ नेट दिखाई देता है कि ये नेट चल रहा है नहीं चल रहा, लेकिन बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें होती हैं। जब आप वायरलेस लगाते हो या डायल अप कनेक्शंस करते हो तो बहुत सारी चीजें होती हैं। वेरियस टेक्नोलॉजीज एट अ वाइड रेंज ऑफ स्पीड हैव बीन यूज्ड बाय ISPs टू प्रोवाइड दिस सर्विस, ठीक है। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज यूज होती है, हमने जो बात कर ली है इसमें DSL, वायरलेस, सेटेलाइट, VSAT। इंटरनेट कनेक्शन ऑप्शंस वेरी, हमारे क्या होता है ये वेरी करता है ISP टू ISP और रीजन बाय रीजन। टेक्नोलॉजी चेंजेस एट अ फास्ट स्पीड, सो डू इंटरनेट कनेक्शन स्पीड। तो हमारी टेक्नोलॉजी जो है बहुत फास्ट स्पीड से चेंज हो रही है, तो हमारा सिमिलरली क्या होगा, इंटरनेट स्पीड ऑल्सो विल चेंज। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंटरनेट कनेक्टिविटी। थैंक यू।